तो एक ब्यूटीफुल सा दिन है गैस अपने लॉस एंटोस के अंदर, और आज गैस मैंने सिंचन की भाई सिंचन से पावरफुल भाई गन छीन लिया, जिससे कि सिंचन भाई मेरे पीछे पड़ गया, भाई गन दे दो गन दे दो। लेकिन सिंचन अब तेरे को गन नहीं मिलने वाली, अरे प्लीज फ्रिंगल बैट दे दो यार, अब मैं इससे किसी को परेशान नहीं करूंगा। नहीं नहीं सिंचन, ये गन भाई काफी डेंजर है, मैं तो भाई तेरे को बिल्कुल देने वाला क्यों चाहो भाई, नहीं देनी चाहिए ना। अब बात सब मैं तो कह रहा हूँ बात सब इसको छुपा दे कहीं पे, क्योंकि बात सब मेरे को ही परेशान करता है, बात सब ये सिंचन का बच्चा। तो ठीक है चौप, एक बार भाई मैं भी तेरे को परेशान करके देखना चाहता हूँ आखिरकार होता क्या है। ओ नहीं बात सब, ओ नहीं बात सब, अब ले बात सब मेरी तो पूरी खोपड़ी पोपड़ी उल्टी पुल्टी होगी। अरे फ्रेंगल भाई यार इस गन से तो भाई मेरी भी खोपड़ी पूरी उल्टी पुल्टी होगी, आप पता लगा सिंचन कितनी ज्यादा डेंजर है भाई ये गन। और गाइस इस गन को भाई सिंचन हमेशा भाई स्कूल लेकर के जाता था, और भाई सभी लोगों को और टीचर को भी गाइस परेशान करता था, इसलिए गाइस कंप्लेन इसकी कुछ ज्यादा आ रही थी। मैंने भाई आज फाइनली इससे ये गन छीन ली और अब ये गन हमेशा मेरे पास रहेगी। ये गन गाइस लास्ट ने सिंचन को भाई बर्थडे पर गिफ्ट करी थी। अरे प्लीज फ्रेंगल भाई दे दो यार, जब तक तुम इस गन को मुझे नहीं दोगे ना मैं भाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ साथ घूमते रहूंगा। नहीं नहीं सिंचन गन तो भाई मैं तुझे नहीं दूंगा। और वो गाइस मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, कोई गाड़ी, एक सेकंड गाइस, कहीं पर अगर गाड़ी खड़ी होगी ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अपनी गाड़ी पर तो गाइस मैं इस गन को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाला भाई, कहीं ऐसा ना हो मेरी गाड़ी पर स्क्रैच वगैरह आ जाए। आज गली में गाइस शर्मा जी की गाड़ी भी नहीं खड़ी। और यार आजकल गाइस अपने लॉस एंटोस के अंदर भाई रात को काफी ज्यादा लाइट जाने लगी है, इसलिए गाइस मैंने तो भाई बढ़िया जुगाड़ कर रखा है, जस्ट घर के बाहर गाइस इतना बड़ा बेड लगा करके रख दिया है, इस पे इजीली गाइस तीन लोग तो काफी प्यार से सो ही जाते हैं, इसलिए गाइस रात को मैं सिंचन तो मस्त करके घर के बाहर सोते हैं। लेकिन फ्रेंगल भाई यार रात को भी ये गाड़ियां चलती रहती है ना हमारी घर के पास, ये जो रोड है, तो मैं तो भाई सो ही नहीं पाता ठीक से। नहीं नहीं सिंचन मेरे को तो काफी बढ़िया नींद आती है, मस्त हवा चलती है गाइस रात को। यार गाइस कहीं गाड़ी खड़ी नहीं है तो मैं आपको दिखाता भाई टैच करके। चल सिंचन तो जल्दी गाड़ी के अंदर बैठ, निकलते हैं सिंचन कहीं पे। अरे वाह आएगा मजा, चलो फ्रेंगल भाई चलो मैं तुमको सिखाऊंगा आखिरकार इस गन को कैसे चलाते हैं। नहीं नहीं सिंचन गन की टेस्टिंग करने थोड़ी ना जा रहा भाई मैं, हम जा रहे हैं सिंचन जस्ट थोड़ा सा भाई घूमने के लिए, और साथ ही साथ में इस गन को भाई छुपाने के लिए, जिससे कि सिंचन ये गन तेरे को कभी मिली ना पाए। अरे यार ऐसे क्यों कर रहे फ्रेंगल भाई, इस गन को प्लीज मत छुपाओ ना यार। चलो ठीक है फ्रेंगल भाई तुमने काम करो इसको छुपाई दो, वैसे भी तुम मेरे को अपने साथ लेकर तो जा ही रहे हो, मैं देख लूंगा तुम इसको कहाँ छुपा रहे हो, उसके बाद भाई वहां से लेकर के आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, अच्छा करा सिंचन तूने अपना प्लान भाई मेरे को बता दिया, अब मैं तेरी आंखों के सामने भाई इसको कहीं भी नहीं छुपाने वाला, वरना तो सिंचन मैंने प्लान बनाया था, मैं जा करके भाई पहाड़ी की मिट्टी के अंदर भाई इस गन को दाब करके आ जाऊंगा, और उसके बाद सिंचन इस गन को भाई कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन सिंचन अच्छा करा भाई तूने अपना प्लान मेरे को पहले ही बता दिया। तो गाइस अभी सिंचन को लेकर के भाई मैं पहुंचने वाला हूँ पुलिस स्टेशन की भी, गाइस बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लग रहा है कि भाई सिंचन की जो गन है ना भाई उस गन को भाई हमको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वैसे देखा जाए तो गाइस इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया पे आज एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। वेट भाई ये क्या है सिंचन, अरे बाप रे लगता है फ्रिंगल भैया यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और जब भी सोचू सिंचन आखिरकार यहाँ पर एक भी गाड़ी क्यों नहीं दिख रही, मुझे लगता है गाइस पूरा पुलिस स्टेशन ब्लास्ट हो गया है। और बाप रे काफी सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, और पानी भी गाइस पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है भाई, काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है, लगता है पुलिस स्टेशन भाई बिल्कुल नहीं बचा। ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ओ हेलो सर यहाँ पर क्या हुआ है। अरे तुझे यहाँ आने की परमिशन किसने दी, यहाँ से जल्दी गोली हो जाए वरना जल के राख हो जाएगा। पूरी की पूरी कोशिश चल रही है लेकिन मुझे लगता है कोई भी नहीं बच पाएगा पुलिस स्टेशन के अंदर, अभी पूरे के पूरे 21 पुलिस वाले और हैं जिनमें से मुझे लगता है कोई नहीं बचेगा। अरे यार अपने कबीर सिंह सर कहाँ है, वेट 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 फाइनली गाइस वो मेरे को दिख गए भाई। अरे हेलो सर, हेलो कबीर सिंह सर क्या हो रहा है। अरे फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया और तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे पता है अभी मेरे कंधे पर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा पूरा पुलिस स्टेशन जल के राख हो गया और बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे कि पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगी, देख तो पा रहा हूँ भाई मैं, भाई साहब कितनी ज्यादा आग लगी है गाइस यहाँ पे। भाई सिंचन की तरह तू, अबे ये सिंचन के बच्चा कहाँ चले गया, हेलो सिंचन कहाँ है तू, सिंचन ये रहा। अरे फ्रेंगल भाई यार मैंने तो फ्रेंगल भाई वो गन भाई छुपा दी, अब मैं तुमको गन बिल्कुल नहीं देने वाला। अरे सिंचन तुझे गन की पड़ी है, यहाँ पर देख सिंचन क्या हो रहा है भाई। अरे हाँ ये ठीक रहेगा मेरे दोस्त फ्रैंकलिन, अब सिर्फ और सिर्फ तू ही मेरी हेल्प कर सकते है, तुझे पता है काफी सारे केस है जो मेरे को सॉल्व करने हैं जिसके लिए हमको पुलिस स्टेशन तो चाहिए ही चाहिए। मुझे लगता है फ्रैंकलिन के घर को हमको पुलिस स्टेशन बनाना होगा कुछ दिनों के लिए, जब तक हमारे पास एक न्यू पुलिस स्टेशन नहीं आ जाता। सर लेकिन लेकर कहाँ जा रहे हो फ्रैंकलिन, जल्दी बैठे। अरे फ्रेंगल भाई मैंने सुना कबीर सिंह सर बोल रहे हैं, फ्रेंगल भाई ये ना हमारे घर को भाई साहब पुलिस स्टेशन बनाएंगे। क्या कहा पुलिस स्टेशन, वो भी अपने घर को, सर ये पॉसिबल है क्या। बिल्कुल पॉसिबल है, अभी मेरे कंधे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी केसेस हैं जितने भी क्रिमिनल हैं उन सबको जल्दी से जल्दी कहीं और ठिकाने लगाना होगा। जब से मैं सोचे जा रहा हूँ आखिरकार कहाँ नया पुलिस स्टेशन लू, एक भी अपार्टमेंट और कोई भी दुकान वगैरह नहीं है जिसको हम पुलिस स्टेशन बना सके, दुकान है भी तो काफी छोटी छोटी है, उसे हम पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं बना सकते। फ्रैंकलिन तेरा घर काफी अच्छा है काफी बड़ा है, तो हम तेरे घर को ही पुलिस स्टेशन बनाएंगे। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है,
है, फिर तो वहाँ पर डेली यार पुलिस वालों का आना जाना रहेगा। सिंचन पुलिस वालों का आना जाना नहीं रहेगा भाई, पुलिस वाले हमेशा हमारे घर में रहेंगे हमारे साथ, और साथ ही साथ में सिंचन क्रिमिनल भी रहेंगे। बिल्कुल सही, सारे के सारे क्रिमिनल भी तुम्हारे घर में रहेंगे, हम एक जेल बनवा देंगे समझ रहे हो, और जितनी भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी भी तुम्हारे घर पर पार्क होंगी। चलो ठीक है गैज, हम अपने कबीर सिंह सल की भाई हेल्प करेंगे। इतना ही नहीं फ्रैंकलिन, तुमको गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा पेमेंट भी मिलेगी। और वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, पूरे के पूरे 2 लाख रुपए हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पहुंचेंगे। चलो तो चलो भाई, मैं तो काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ। चलो फटाफट से भाई, अब तो गैस फ्री में अपने पास भाई 2 लाख रुपए आएंगे भाई मंथ के एंड में। लेट्स गो भाई, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ भाई। लेट्स ही चेक करते हैं आखिरकार सर भाई कितनी देर में पुलिस स्टेशन बनवा के तैयार करते हैं हमारे घर के बाहर। कितनी देर में फ्रैंकलिन, सिर्फ और सिर्फ तू मेरे को 2 घंटे दे, 2 घंटे के अंदर अंदर तेरा घर पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन में बदलवा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। ओके सर, कोई बात नहीं भाई, जितना टाइम आपको लेना है भाई उतना टाइम लो। इस एरिया से अगर गाड़ियां आएंगी जाएंगी तो लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि फ्रैंकलिन पुलिस की सिर्फ और सिर्फ हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर एक गाड़ी नहीं है, काफी सारी गाड़ियां हैं। मेरे ख्याल से तो 150 गाड़ियां, 150 गाड़ियां हमको इस गली के अंदर रोज लेकर के आनी होंगी, और रात को पार्क भी करनी होगी। क्या 150 गाड़ियां? अरे बाप रे, तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये जो तेरा गैराज है फ्रैंकलिन, इसको बनाएंगे हम जेल समझ रहे। जितने भी क्रिमिनल है वो सारे के सारे तेरे गैराज के अंदर रहेंगे। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है, ये तो मेरे को भी काफी अच्छा लगा। और देखते हैं आखिरकार और कितनी कितनी जगह है, ये जगह को हम क्या बनाएंगे। हाँ देखता हूँ, इस जगह को भी कुछ ना कुछ तो बनाएंगे, या फिर इस जगह को भी जेल बना देंगे। ऊपर से हम लगाएंगे छत, और यहाँ से हम पिंजरा डाल देंगे जिससे क्रिमिनल बाहर ना आ पाए। परफेक्ट है ये भी फ्रैंकलिन। और देखता हूँ और कितना बड़ा घर है। अरे कबीर सिंह सर यार, आपने हमारा घर देख तो रखा है, लेकिन फिर भी फ्रैंकलिन अब मेरे को देखना तो पड़ेगा ही। अभी मेरे को बॉस से बात करनी है, उससे पहले एक बार पूरे घर को देख लूं अंदर ही। फ्रैंकलिन रात को मेरे को सोना भी पड़ेगा, और मेरे साथ काफी सारे पुलिस वालों को भी सोना पड़ेगा जब वो थक जाएंगे, क्योंकि उनके पास काम ज्यादा होगा ना, तो काम के सिलसिले में वो घर जा नहीं पाएंगे। एकदम परफेक्ट है ये घर पुलिस स्टेशन बनाने के लिए। सिर्फ तू मुझे 2 घंटे दे, 2 घंटे के अंदर अंदर फ्रैंकलिन इस घर को पुलिस स्टेशन बना के तैयार करता हो। फटाफट से कॉल करके सभी लोगों को यहाँ बुलाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ सिंचन, अब हमारे घर में काफी सारे लोग आएंगे जाएंगे, तो सिंचन अपना सामान सेफ तो रहेगा ना, कहीं ऐसा ना हो अपना सामान चोरी हो जाए। सर हमारा सामान सेफ है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा सामान एकदम सेफ है, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई चोर नहीं आ रहा, तुम्हारे घर में पुलिस वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। तो सब सामान भाई ऐसा का ऐसे रहने देता हूँ। तुम एक काम करो फ्रैंकलिन, तुमको गाड़ी चलानी तो आती है, तो तुम एक काम करो, जाकर के पूरे तुमको 50 क्रिमिनल को लेकर के आना है, एक काफी बड़ी पुलिस की गाड़ी में डाल करके। क्या कह रहे हो भाई, क्रिमिनल को मेरे को लेके आना है? हाँ, वो बहुत बड़े क्रिमिनल है, किसी ने मर्डर करा है तो किसी ने काफी बड़ी चोरी करी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग तो मर्डर वाले ही है, तो उन सबको फ्रैंकलिन तुझे लेकर के आना होगा। जब तक मैं यहाँ पर पिंजरा लगवाता हूँ जिससे कि सारे के सारे लोगों को हम इस गैराज के अंदर डाल सके, और सभी को फिर खाना पानी का भी इंतजाम करना होगा। बहुत सारी टेंशन है, बहुत काम करना है, तो फ्रैंकलिन तू जाकर मेरा बस ये छोटा सा काम कर दे। बिल्कुल सर, आपने बोला तो भाई जरूर करूंगा। उसके लिए तेरे को वेपन चाहिए? नहीं नहीं भाई, मेरे पास ऑलरेडी वेपन है, आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स गो गाइस, निकलते हैं फटाफट से। सॉरी 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 सर, निकलो भाई निकलो, कहीं ऐसा ना हो गाइस ये भड़क जाए। वैसे भी गाइस अभी कबीर सिंह सर भाई काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं, क्योंकि गाइस इनके ऊपर अभी काफी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी जो है। लेट्स गो, निकलते हैं सिंचन भाई पुलिस स्टेशन की तरफ, और वहां पर जाकर के सिंचन लेकर के आते हैं काफी सारे क्रिमिनल को। मैं तो गाइस फर्स्ट टाइम भाई इतने सारे क्रिमिनल को भाई लेकर के आऊंगा एक वैन में बिठा करके। आई थिंक वो वैन नहीं होगी गाइस, वो ना काफी बड़ा ट्रक टाइप होगा। तो जब तक गाइस आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को लाइक करके गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो गाइस अभी मैं और सिंचन उस लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहां पर गाइस हमको क्रिमिनल मिलने वाले हैं। पहले गाइस मैंने सोचा था वो सारे के सारे हमको पुलिस स्टेशन में मिलेंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर कैसे मिल सकते हैं? पुलिस स्टेशन तो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया। तो मैंने फटाफट से कॉल लगाई सर को, सर ने बताया गाइस यहां पर लोकेशन है जहां पर वो सारे के सारे क्रिमिनल को भाई रखा गया है। आई थिंक यही है सिंचन वो घर। अरे हाँ, यही फोटो भेजी थी उन्होंने। यहां पर गाइस मेरे को क्रिमिनल भी मिल गए, और साथ ही साथ में काफी पुलिस वाले। लगता है यही फ्रैंकलिन है। तुम्हारा नाम फ्रैंकलिन है? तुम्हें कबीर सिंह सर ने भेजा? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो एक काम करो, इन सभी कैदियों को तुमको लेके जाना है, ये जो सामने ब्लू कलर का ट्रक डाल लियो इसमें फटाफट से डालते हैं, इनको लेकर के जाओ अपने घर पर। और याद रखना, अगर इनमें से किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश करी तो सीधा ऑर्डर है, तुम इनको गन मार के इनका इनकाउंटर कर सकते हो, समझ रहे हो? बिल्कुल भाई बिल्कुल। अगर कोई भी फालतू बोलेगा या कुछ होशियारी करने की कोशिश करेगा या भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसको डायरेक्ट इस तरीके से मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं मारना इन क्रिमिनल को, डायरेक्ट इनकाउंटर करना है, समझ रहे हो? ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। तो ये वो ट्रक है, इसके अंदर सारे के सारे आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आ जाएंगे। तुम एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ ट्रक को स्टार्ट करो, जब तक हम सभी को अंदर डालते हैं। आजा सिंचन, बैठ फटाफट से। अरे वाह यार, मैं तो पहली बार बैठ रहा हूँ गाइस कोई ऐसे ट्रक के अंदर। चलो यार, अब यहाँ पर खाली जगह पर गाइस मैंने भाई अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और ये लोग यहाँ पर क्या ही करते हैं, इसलिए
मैंने इन लोगों से बोला है तुम ना मेरी गाड़ी की भाई सेफ्टी रखना, चलो भाई निकलते हैं फटाफट से, ये लोग बस भाग ना जाएं। वैसे भागेंगे कैसे गाइज, ये रास्ता है गाइज यहाँ से भाई, सारे क्रिमिनलों को हमने अंदर डाला था और अभी इसको भाई हमने लॉक कर दिया, तो वो तो भाग ही नहीं सकते। चल सिंचन जल्दी बैठ। अरे देखो देखो, ये एक आया है हमको ले जाने के लिए, क्या बोलते हो तोड़ा जाए इस ट्रक को? अरे बाबरे फ्रिंगल भैया, पीछे से आवाज जा रही है, आवाज तो सिंचन आएंगी भाई, क्योंकि ये कोई समझदार बंदे नहीं है, ये सारे के सारे क्रिमिनल है, तो सिंचन इनका दिमाग तो भाई उल्टे कामों में चलेगा, तो सिंचन बोलते तो ये रहेंगे, लेकिन भाई याद रखो मुझे पता है मेरी आवाज तुमको पहुंच रही होगी, अगर भाई तुमने से किसी ने भी कुछ बोला ना डायरेक्ट भाई गोली मार दूंगा, क्योंकि मेरे को ऑर्डर है। गोली तू क्या मारेगा हमको? अगर हमको कोई गोली दे दे हम खुद ही अपने आप को गोली मार के आजाद हो जाएंगे इस दुनिया से। हे हे हे, बहुत खतरनाक हूँ, एक बार बस तू इस ट्रक को रोक और मुझे बाहर निकाल, उसके बाद देख तेरे को बताता हूँ आखिरकार पुलिस वाले बनने का नतीजा होता क्या है, बहुत खतरनाक हूँ मैं। अरे भाई साहब चुपचाप से पीछे बैठे रहो, अगर मेरी गन मेरे पास होती ना जो फ्रैंकल भैया ने सुबह सुबह छीन ली थी, भाई साहब सभी को करंट वाला झटका दे देता। हाँ नहीं तो, और यार अभी गैस हमको घर पहुंचने में लगने वाले हैं कम से कम भाई 20 मिनट, तो गैस 20 मिनट तक गैस इन लोगों को मेरे को ऐसे ही झेलना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट गैस इनको अपने घर में डालेंगे। लेकिन वेट, मैं सिर्फ 20 मिनट तक नहीं झेलूंगा इनको, लगता है गैस अब पुलिस वालों का पुलिस स्टेशन जब तक रिपेयर नहीं हो जाता जब तक गैस इन लोगों को मेरे को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि गैस ये लोग तो मेरे घर में रहने वाले हैं ना भाई अब हमेशा हमेशा के लिए। तो लेकर के तो गैस पहुंच चुका हूँ भाई इन लोगों को अपने एरिए में, लेकिन भाई सच में इन लोगों ने गैस काफी परेशान कर दिया है, छोड़ूंगा नहीं गैस इनको, एक बार बस घर पर पहुंच जाऊँ एक एक करके गए सब लोगों को मारने वालों में। और मैं भी फ्रैंकल भैया, इन्होंने भाई साहब मेरे को नाटा बोला, बताओ फ्रैंकल भैया मैं नाटा हूं क्या? और एक ने तो ये भी बोला कि भाई मुझे फ्रैंकल भैया टाइम टू टाइम भाई नाली में नहलाएगा। अरे सिंचन तो टेंशन मत ले, कबीर सिंह सर भाई अपने दोस्त हैं, वो हमको परमिशन दे देंगे सिंचन अपने गैराज में जाने के लिए। और एक बार सिंचन हम अपने गैराज में पहुंच गए, उसके बाद तो ये हमको गैराज में मिलेंगे, छोड़ूंगा नहीं भाई इनको। और गैस एक बार ये चेक करो भाई, लगता है पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन बना करके कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर गैस पुलिस वाले दिख रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां दिख रही हैं, और ये देखो ये रहा भाई अपना गैराज। चलो भाई सब कुछ कंप्लीट हो गया, मिलिट्री का टैंक यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे तुमको ऊपर सर ने बुलाया है, जाकर सर से मिलो। ऊपर सर ने बुलाया गया मेरे को? चलो गए छत पे चलते हैं, वो रे सर। हेलो सर, क्या ले? फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, सारे कैदियों को तू लेकर क्या गया? बिल्कुल सर लेकर क्या गया, लेकिन ये क्या बना दिया आपने? यहाँ पर हमारी मीटिंग हुआ करेगी, क्योंकि अभी इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ, तो मीटिंग करना काफी इंपोर्टेंट है। अभी पूरे के पूरे 110 पुलिस वाले आ रहे हैं, उनके साथ यहाँ पर मेरी काफी बढ़िया मीटिंग होने वाली है, और इसलिए ही हमने तुम्हारी पूरी गली को सीज कर दिया है। मतलब अब तुम्हारी गली में आइंदा से कभी भी गाड़ियां नहीं आएंगी, क्योंकि अब ये पुलिस स्टेशन है, अगर गाड़ियां आएंगी हॉर्न वॉर्न से हम काफी डिस्टर्ब होंगे, इसलिए गली सीज हो गई है। बढ़िया गाइस, ये काम भाई पुलिस वालों ने काफी अच्छा कर दिया। अब गाइस मेरी गली में ना तो गाड़ियां चलेंगी और ना ही गाड़ियां आएंगी। वेट, जब गाड़ियां चलेंगी तो आएंगी कहां से? चलो भाई मैं तो काफी खुश हूं गाइस, पुलिस स्टेशन बन गया। चलो भाई अब थोड़ा अंदर चल के गाइस मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, उसके बाद गाइस इन कैदियों से भी तो भाई बातचीत करनी है। एक पुलिस वाला यहां पर खड़ा है, और चॉप, अबे चॉप तुझे सब कुछ पता लगा? नहीं पता लगा? अबे बात सब मेरे को बात सब पुलिस वाले ने सब बता दिया। जब बात सब ये पुलिस वाले घर में आए ना, तो बात सब मुझे लगा ये चोर है, मैं तो इनके पैर उधेड़ने वाला था, लेकिन बात सब जब पुलिस वाले ने सब बताया तो बात सब मैंने इनको कुछ नहीं बोला। और एक बार यहां पर चेक करो, ये पुलिस वाला सो रहा है। अबे भाई तुम यहाँ पर सोने आए हो क्या? मेरे बेडरूम में मैं रेस्ट करता हूँ, लेकिन अब ये कौन रेस्ट कर रहा है? अरे उठा के फेंको फ्रैंकल भैया इसको। नहीं नहीं सिंचन, ऐसे कैसे उठा के फेंक देंगे, क्योंकि सिंचन इनको परमिशन भी तो हमने ही दिया यहाँ पर रहने की, तो किसी को सिंचन हम कुछ नहीं बोल सकते, कहीं ऐसा तो नहीं गाइस मेरे सेकंड फ्लोर पे भाई मेरी टीवी को कोई और ही देख रहा हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, पुलिस वाले टीवी क्यों ही देखेंगे यार। सच में नींद तो काफी मस्त आई भाई, नींद लेने के बाद गाइस मेरे को काफी अच्छा भी महसूस हो रहा है, लेकिन गाइस अभी मैं तो काफी देर तक और सोने वाला था, लेकिन इस पुलिस वाले ने मेरे को उठा दिया और ये बता रहा है गाइस भाई टाइम आ गया उन क्रिमिनलों को भाई सबक सिखाने का, मतलब मारने का। मैं जब गाइस सो रहा हूँ ना, तो सिंचन ने गाइस पुलिस वालों को बता दिया होगा कि रास्ते में भाई क्रिमिनलों ने भाई हमको काफी परेशान करा है, इसलिए गाइस उन्होंने मेरे को परमिशन दिए भाई उन सबों को सबक सिखाने के लिए। तो गाइस लेट्स गो, चलते हैं भाई, थोड़ा हाथ वाथ साफ करके आते हैं। और गाइस देखो शाम भी हो चुकी है, चलो 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 भाई, सिंचन के बच्चे ने तो लगता है हाथ साफ भी कर लिया होगा। हेलो सर, कैसे जाना है? ओ ये देखो गाइस गेट खुला हुआ है। अरे मैंने कुछ नहीं बोला था भाई साहब, अभी एक बच्चे ने बहुत मारे हमको, और मुझे तो भाई डर लग रहा है। अरे डर ये ले सबसे पहले, फिर तू ही ले। गाइस काफी तेज चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे भाई, बहुत बहुत परेशान कर रहे। चुपचाप से बता दो आखिरकार वो मोटी आवाज वाला कौन था जो भाई सिंचन को नाली में डुबाने की बात कर रहा था? जो बताएगा वो पिटेगा नहीं, कोई है बताएगा? अरे पीछे आजा पीछे, मैं था काला कल्लू कालिया, मैं तेरे सिंचन को नाली में उठा के पटकने की बात कर रहा हूँ। ओ तो इससे मिलो गाइस, ये है वो बंदा जो गाइस खुलेआम बोल रहा है, तो आपको क्या लगता है मैं इसे छोड़ूंगा? ये ले सबसे पहले तू ले, तू भी ले।
मुझे मार के दिखा। बहुत तेज लगा। बढ़िया गाइज, एक ही घूसे में सारे के सारे गिरे हैं। ये क्या क्रिमिनल बनेंगे गाइज? किसी में भाई एक घूसे की जान नहीं है, सारे के सारे भाई एक एक घूसे में निपट रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है भाई। कम से कम तुम यहाँ पे 10 दिन तो रुकोगे मेरे घर पे, 10 दिन तुमको भाई सेवा मैं दूंगा। अरे भाई साहब, हमने भाई सिर्फ मर्डर करा था, मार क्यों रहे हमको? अरे तुमने भाई बहुत बड़ा क्राइम करा है, तुम्हें पता ही क्या है? चलो गाइज, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि मैं भी थक गया भाई इनको मार मार के। सच में गाइज, पुलिस वाले भी भाई इन लोगों से परेशान हो जाते होंगे। इनको गाइज मार का भी असर नहीं पड़ता, सच बताऊं तो। रात देखे 2 बज गए होंगे मेरे ख्याल से तो, और इतने सारे लोग सो रहे हैं, देखना किस तरीके से सो रहे हैं। और बाहर निकलने का तो कोई पता ही नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बाहर निकलने का यही सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि अगर दोबारा पुलिस स्टेशन ठीक हो गया फिर हम पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाएंगे। वहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से भागना हम भाग सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। लेकिन कूद भी तो नहीं सकते, ज़्यादा गैप नहीं है, और बाहर पुलिस वाले भी हैं। भागना तो यार आसान नहीं है। ओ ओ ओ, भाग सकते हैं, भाग सकते हैं। यहाँ पर एक गेट है। अबे घदो, सोने का टाइम नहीं है, सारे के सारे उठ जाओ फटाफट से। अगर अभी सोते रहोगे तो जिंदगी भर जेल में पड़े रहेंगे। ये वाला गेट है, हमको लगता है मिलके इस गेट को तोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हम इस गेट से सारे के सारे बाहर निकल जाएं। भाई लोगों साथ दो मेरा। और यहाँ पर कुछ है भाई, पेंट वेंट रखा हुआ है, देखते हैं किसी से इस गेट को तोड़ सके तो। तो यार मैंने अपने पड़ोसी से बात कर लिया गाइस। मेरे पड़ोसी ने भाई मेरे को बोला है कि मैं और सिंचन इसके घर पे भाई सो सकते हैं, जब तक गाइस हमारे घर पे पुलिस स्टेशन बना हुआ है। वेट, ये डोर किसने खोल दिया भाई? ये वाला डोर तो आज तक भाई मैंने कभी खोला नहीं अपने गैराज का, लेकिन ये कैसे खुल गया? ओ, गैराज से याद आया, गैराज के अंदर तो गाइस काफी सारे क्रिमिनल थे और ये गेट खुला हुआ है। ओ भाई साहब, जल्दी जाना होगा और देखना होगा गाइस वो है या नहीं है। वेट 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 भाई, वो कैसे हो सकते हैं? उन्होंने ये गेट खुला होगा। अरे भाई साहब, तुम यहाँ पर सो रहे हो क्या? अंदर देखो एक बार भाई साहब, एक भी क्रिमिनल नहीं है। क्या कह रहा है, कहाँ नहीं है क्रिमिनल? अबे पीछे देख, पीछे देख। मुझे लगता है गाइस वो लोग भाई ज्यादा दूर गए नहीं होंगे। जल्दी से गाइस जाना होगा मेरे ख्याल से। गाइस इस तरफ तो वो नहीं जाएंगे, पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे गाइस काफी सारे पुलिस वाले हैं, वो गए होंगे तो आगे ही गए होंगे। मेरी गली से भी गाइस अभी ना वो बाहर नहीं निकले होंगे। जल्दी जल्दी ढूंढना होगा। और पुलिस वालों को भी गाइस मैंने बता दिया है भाई, पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी पर अब लग जाएंगे भाई। वो लोग भी फटाफट फटाफट ढूंढने की कोशिश करेंगे उन लोगों को। जल्दी ढूंढता हूँ गाइस, वो ज्यादा दूर नहीं भाई, यहीं कहीं पे होंगे। भाई साहब अगर वो भाग गए ना तो गाइस काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गाइस उन लोगों को भाई मैंने आज बहुत मारा और सिंचन ने भी मारा, तो गाइस वो लोग भाई मेरे और सिंचन का पीछा करेंगे और मेरे को और सिंचन को गाइस वो मारने की सोचेंगे। इसलिए गाइस उनका ढूंढना भाई काफी इंपॉर्टेंट है। वो भाई एक दो क्रिमिनल नहीं थे भाई, बहुत सारे लोग थे। और गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो फटाफट से गाइस कमेंट में भाई पार्ट 2 लिखो। हाँ गाइस, जल्दी जल्दी भाई कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। और गाइस आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस? फ्रैंकलिन सिंचन गाइस आपके भाई, तो यार जल्दी से गाइस अभी के भी यार इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन ऑप्शन को भी ऑन कर देना। हाँ गाइस, बेल आइकन ऑप्शन को भी ऑन कर देना, जैसे गाइस सुबह हमारी वीडियो आएगी ना पार्ट 2 तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यारा वाला बाय।